गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं मेघा सिंह, अपने यूट्यूब चैनल मेघाज होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आ गई हूं मैं किचन में और सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज मेरा घर का सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा जो भी है, सिर्फ लंच बनाना है। तो लंच में आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और रायता, उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी आसान तरीके से मैं बताऊँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपका वो हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो चलिए बात ना करते हुए ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg चिकन को अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया है। ये मैंने रात में ही इसे मैरिनेट करके रख दिया था। तो इसमें मैं 200 ग्राम के करीब दही डाला है, पूरा 200 ग्राम दही डाल दिया है। ये मेरा इसमें ज़्यादा पानी नहीं था दही में, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया है इसे। अगर आपके दही में पानी हो तो उसे आप पहले निकाल लीजिए, फिर इसमें डालिए। और 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट यहाँ पे डालना है। सूखे मसाले में आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा लाल मिर्च पाउडर का 2 चम्मच मैंने डाला है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर आप डालेंगे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने अनुसार नमक डालिए। और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर का यूज़ मैं नहीं करती हूँ बिरयानी में, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालने के बाद, और आपको लास्ट में चिकन बिरयानी मसाला 1 पैकेट के करीब पूरा ही डाल देना है इसमें डालकर। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें चॉप किया हुआ आप डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने में ही ये इतने अच्छे से मिलाना है कि इस पर मसाले अच्छे से कोट हो जाए, तभी इसकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ देख लीजिए मैं जिस तरह से मिला रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 आलू मीडियम साइज़ के बड़े बड़े टुकड़ों में उसे पील करके मैंने कट कर लिए थे, और यहाँ पे आलू भी डालकर चिकन के साथ ही मैरिनेट करके आप रात भर इसे फ्रीज में रख दीजिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेशन इसका हो जाएगा। तो सुबह में बनाइएगा तो काफ़ी अच्छा बनेगा। और मैंने प्याज लिया है 4 मीडियम साइज़ का, इसे पीछे वाले पार्ट को आप निकाल देंगे तब प्याज कट करेंगे तो इसके प्याज जो हैं अपने आप मतलब निकल जाएंगे, पार्ट वाइज में सेपरेट सेपरेट अपने आप ही हो जाएंगे। तो इस तरह से प्याज को मैं पहले कट कर लूँगी। थोड़ा इसमें से आधा प्याज जो आपको है, यहाँ पे मेरी बेटी काफ़ी हल्ला कर रही है तो उसी का आप लोगों को आवाज़ जा रहा होगा, तो आधा प्याज मैं इसमें से परिस्ता बना लूँगी और आधा प्याज को मैं रख लूँगी चिकन में डालने के लिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से ही आपको कर लेना है। और दूसरी तरफ गैस पे मैंने कढ़ाही चढ़ा दिया है, इसमें मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास घी ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही था तो वो मैं चावल में यूज़ कर लूँगी। आपके पास घी हो तो घी में ही बनाइए, वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मैंने यहाँ आधा प्याज रख लिया और आधा प्याज यहाँ पर डाल दिया है बरिश्ता बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मैं चढ़ा दूंगी दूसरे चूल्हे पर भगोने को, इसमें राइस मैं पहले से ही सोख करके रख दी हूँ, तो इसमें मैं राइस बनाऊंगी। राइस में तो आपको डालना है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून के करीब घी, 2 से 3 हरी मिर्ची स्लिट करके, उसके बाद खारा गरम मसाला में जो कुछ भी आता है वो सारा चीज़ आपको इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए मेरा प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, क्रिस्पी सा। अब इसे मैं निकाल लूँगी, अच्छे से इसे निकाल लेना है। उसके बाद इसी कढ़ाही में जो तेल है इसी में मैं चिकन बना लूँगी, क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा है तो इसी में मेरा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सूखे मसालों में मैंने लिया है 3 तेज़पत्ता, 3 जीरा, बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 काली मिर्च, 1 लौंग और गरम मसाला। बस इन्हीं सब सारी चीज़ों को डाल के एकदम से रोस्ट कर लेना है आपको। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा प्याज जो मैंने बचा के रखा हुआ था उसे यहाँ पे डाल देना है। अब इसे भी ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपको यहाँ पर मैं दिखाते जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें बारी है चिकन डालने की। देखिए ये रात भर चिकन कितने अच्छे से मैरिनेट हो गया है, एकदम थिक सा हो गया है। इसी तरह से आपको जब भी बिरयानी बनाइए तो रात में ही मैरिनेट करके रख दीजिए, या अगर शाम में बना रही हैं तो मॉर्निंग में ही आप मैरिनेट करके इसे रख सकते हैं। यहाँ पे इसे अच्छे से चला के तब तक चिकन मेरा हो रहा है, तब तक दूसरी तरफ मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ। जो चावल मैंने सोख करके रखा हुआ था, पानी भी भगोने में मेरा काफ़ी गर्म हो गया है, तो उसमें मैं यहाँ पे चावल डाल दूँगी। तो चावल डालने के बाद जब तक मेरा उधर चिकन हो जाएगा तब तक मैं इधर दूसरा काम कर लूँगी, फटाफट से रायता बनाने का काम। तो चावल मैंने डाल दिया है, इसे स्टर कर दूँगी। बार बार चावल को नहीं चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। और इधर मैं रायता के लिए दही ले रही हूँ जार में, इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी।
ग्राइंड करने पे इसके जो हैं वो दाने दाने सा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चिकन मेरा हो गया है एकदम, ये बिरयानी के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब दूसरी तरफ मैं रायता के लिए देखिए, थोड़ा सा मैंने खीरा ले लिया है, इसे मैं अच्छे से कस कर लूँगी। उसके बाद दो हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। रायते में सिर्फ मैं खीरा, प्याज और हरी मिर्च का ही यूज़ करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी इसमें, और मसाले में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ नमक आपको डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए प्याज भी मैंने कट कर लिया। सारी चीज़ों को दही में डाल के अच्छे से इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद एक लास्ट इसमें बस मैं नमक डालूंगी, और कोई भी पाउडर का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ये मेरा प्लेन रायता है, इसके साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चिकन मैंने निकाल लिया है, अब मैं लेयर करूँगी इसे। पहले चिकन डाला है नीचे में, ऊपर से मैं चावल डालूँगी, चावल का लेयर अच्छे से कर देंगे, ताकि अच्छे से चिकन पर जो है चावल का लेयरिंग वो कोट हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए कितना गर्म चावल है, इसका भाप एकदम से दिख रहा है कैमरे में, एकदम वो आ जा रहा है इसका भाप भाप ही। तो यहाँ पे चावल मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता का गार्निश कर दूँगी, और थोड़ा सा जो मैंने बेरिस्ता बना के रखा हुआ था प्याज का, तो उसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी अच्छे से। गार्निश करना ही इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम लगता है, तो पहले धनिया पत्ता, फिर एक चम्मच के करीब घी मैंने डाला है, और यहाँ पर फिर इसमें जाएगा वो प्याज। यहाँ पे देखिए इसी तरह से डालना है। मैं सारा बिरयानी मसाला का यूज़ कर लिया था पहले ही, नहीं तो बिरयानी मसाला ही जाता। अब इसके बाद फिर से मैं वही लेयर कर रही हूँ, उसमें चिकन डाल दूँगी, फिर ऊपर से चावल, फिर जो डाला है धनिया पत्ता, फिर घी, फिर वही प्याज। उसके बाद मेरा ये पूरा तैयार हो जाएगा बिरयानी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी संडे की कैसी लगी आप लोगों को। आप लोग अगर बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए थैंक यू फॉर